नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू ओझा पेश करती हूँ रात 11 बजे तक की प्रमुख खबरें। सबसे पहले खबरें राज्यों से जुड़ी। ममता बनर्जी का मिशन 2024 शुरू। 28 अक्टूबर को 2 दिनों के लिए जाएंगी गोवा। पार्टी नेताओं के साथ करेंगी अहम बैठक। इस बार गोवा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतार रही है तृणमूल। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए कई बैंक लोन देने से कर रहे हैं इनकार। ममता के छात्र डिफॉल्टर हुए तो कौन देगा लोन की राशि। बैंक और राज्य सरकार में इसी मुद्दे को लेकर ठनी। राज्य सरकार ने जिला शासकों को लिखी चिट्ठी। छात्र छात्रीरा आमादेर गर्व, तादेर स्वप्न आलोकेर भोर देखाबार जन्यई आमादेर किन्तु ए स्कीम स्टूडेंट क्रेडिट कार्डे 10 लाख टाका पर्यन्त ऋण नीते पारबेन। दूसरे डोज के बाद भी मिल रहे संक्रमित। कोलकाता में सेकेंड डोज लेने वाले 60% कोरोना संक्रमित हुए। कोलकाता नगर निगम की रिपोर्ट में खुलासे से बड़ी चिंता। खड़गपुर में रंग कारखाना होगा स्थापित। नवान्नों में हुई अहम बैठक। 600 लोगों को सीधे तौर पर मिलेगा रोजगार। 2000 लोगों के लिए कर्म संस्थान। राज्य में 4 सीटों में होने वाले उपचुनाव में अब 80 कंपनी अर्धसैनिक बलों की जगह 90 कंपनी अर्धसैनिक बलों की होगी तैनाती। राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने 3 अलग अलग अध्ययनों का हवाला देते हुए दावा किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में अब तक 35,000 भारतीय उद्यमियों ने देश छोड़ दिया। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पे 100 हेरिटेज बिल्डिंगों में की गई लाइटिंग, रोशनी से जगमगाया हावड़ा ब्रिज। ये है खबरें जिलों से जुड़ी। हुगली जिले के त्रिवेणी स्टेशन रोड में फर्जी डॉक्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डॉक्टर का नाम प्रभास चंद्र साधु है। चुचुड़ा कोर्ट ने 14 दिनों की जेल हिफाजत में भेजा। करीब 30 साल बाद अलीपुर द्वार में पहली बार इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से दौड़ी तिस्ता तोरसा एक्सप्रेस। बैंडल जीआरपी ने दून एक्सप्रेस से एक पुरुष समेत 2 महिलाओं को 125 दुर्लभ प्रजाति के कछुओं के साथ किया गिरफ्तार। तीनों उत्तर प्रदेश के अमेठी से कछुओं को ला रहे थे। देश और दुनिया की खबरें। उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का गृह मंत्री अमित शाह ने किया हवाई सर्वे। अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा समय पर बारिश अलर्ट होने पर क्षति से बचा जा सकता है। और भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ इसका हवाई निरीक्षण किया है। लगभग 2 घंटे के निरीक्षण में ढेर सारी चीजें देखने को मिली जो यहाँ पर तबाही हुई है, उनकी बोलती तस्वीर देखने को मिली। अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ भी बैठना हुआ। पूरी समीक्षा भी की गई। एक बात ये सुनिश्चित निकल कर आई कि भारत सरकार की ओर से समय पर चेतावनी मिलने के कारण बहुत कम मात्रा में नुकसान हुआ है। मनोरंजन से जुड़ी कुछ खबरें। पिता के तौर पर शाहरुख खान को मिल रहा फैंस का पूरा समर्थन। बॉलीवुड ने किया किनारा। कुछ ही समर्थन में आए सामने। कल के मौसम का हाल। महानगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बादल छाए रहेंगे। इसी तरह विशेष खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।